गाइज, क्वालकॉम प्रोसेसर्स में एक फ्लॉ ढूंढा गया है जिसके वजह से भाई आपका फोन बहुत ही बड़े डेंजर में आ चुका है। पोको का M3 Pro आने वाला है और भी बहुत सारी एक्साइटिंग एंड वियर्ड एंड डरावनी सी टेक्न्यूज आज की इस TTS के एपिसोड में। सो हे वो गाइस, माय नेम इज ज़हीर एंड दिस इज द TTS टेक न्यूज नंबर 143। सो लेट्स बिगिन। गाइस, TTS का मतलब ट्यूसडे थर्सडे एंड सैटरडे में बहुत ही छोटे मैनर में आप लोगों को टेक न्यूज देता हूं, तो अगर आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। विद दैट सेड, आज के वीडियो के स्पॉन्सर हैं हम खुद ही हैं, हमारा ट्विटर अकाउंट। तो जाके भाई ट्विटर पे फॉलो करो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डेफिनेटली गो एंड चेक आउट माय ट्विटर अकाउंट। थोड़ी बातचीत वहाँ पे होते रहती है, ट्विटर स्पेसेस वगैरह बनते रहते हैं, तो डेफिनेटली जाके चेकआउट करो। बाकी उसके बाद अगर मैं स्टार्ट करूँ तो सबसे पहले तो स्टारलिंक की तरफ से न्यूज़ आ रही, जो टेस्ला की स्टारलिंक कंपनी है जो सैटेलाइट नेटवर्क देती है, सैटेलाइट इंटरनेट, उससे न्यूज़ ये आ रही है कि कुछ जो यूज़र्स टॉरेंट वगैरह एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो उनको नोटिस आ रहा है कि आप भाई ये एक्सेस नहीं कर सकते, और अगर आप एक्सेस करने की कोशिश करोगे तो आपका नेट बंद हो जाएगा डायरेक्टली। तो भाई क्रेजी चीज़ है, लाइक जो टॉरेंट है, पायरेसी से रिलेटेड चीज़ें बिल्कुल भी एक्सेसिबल नहीं है उससे, स्टारलिंक से। बाकी प्ले स्टोर के ऊपर एक सिक्योरिटी सेक्शन आ रहा है, लाइक उसके ऊपर दिखाएगा कि ये एप्लीकेशन आपका ये परमिशन ले रहा है, आपको चाहिए या फिर डिलीट मारना है, तो उसके थ्रू आप पूरा अपना जो प्राइवेसी है उसको एक काइंड ऑफ मॉनिटर कर सकते हो। और उसके बाद भाई एक खबर बताऊँ तो IBM जो है भाई, इतनी बड़ी कंपनी है, उन्होंने 2 नैनोमीटर का प्रोसेसर बना लिया है भाई, एंड दैट इज लिटरली क्रेजी। उसके बाद बात करूं भाई तो हार्मनी OS जो है, अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि वो Oppo के फोन पे भी चलेगा, Vivo के फोन पे भी चलेगा और Meizu के फोन पे भी चलेगा, लेकिन चाइना में, अभी इंडिया की ऐसा कुछ खबर है नहीं। सो या लेट्स सी। बाकी भाई जो बैटल ग्राउंड है, अब जो नया PUBG है बेसिकली, उसके बहुत सारे APK फैल रहे हैं भाई कि भाई APK डाउनलोड कर लो, यहाँ से डाउनलोड कर लो, वहां से डाउनलोड कर लो, फेक है कम्प्लीटली, बिल्कुल भी मत डाउनलोड करना भाई, आपका डेटा पूरा चले जाएगा। बाकी उन लोगों ने नया लोगो भी रिवील कर दिया है। उसके बाद अगर बात करूँ तो व्हाट्सएप का जो प्राइवेसी फीचर था कि लाइक जो प्राइवेसी पॉलिसीज है उसको एक्सेप्ट करो या तो फिर आप व्हाट्सएप से हाथ धो बैठोगे, तो उसका अपडेट जो बोला था लाइक कुछ फरवरी में बोला था कि अभी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा नहीं तो आप छोड़ सकते हो, फिर उसको थोड़ा बवाला मचा तो उसको मई तक के किया। अभी मई में उन लोग ने वापस से क्लेरिफिकेशन दिया है कि डायरेक्टली नहीं बंद होगा, कुछ टाइम मतलब थोड़ा आपको ग्रेस पीरियड वगैरह मिलेगा, धीरे धीरे करके एक 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 फीचर निकाला जाएगा, तो ऐसा किया गया है। तो बेसिकली एट द एंड अगर आपको यूज़ करना है व्हाट्सअप तो आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप नहीं यूज़ कर सकते। लेकिन मेरे हिसाब से जो डेटा वो पहले लेता था वही सेम डेटा अभी भी ले रहा है, तो उसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस हैं नहीं भाई, खाली वो बता रहा था हमने से कि भाई हाँ मैं ये डेटा ले रहा हूँ। बाकी उसके बाद बड़ी खबर जो है वो Qualcomm की है भाई, कुछ रिसर्चर्स ने Qualcomm चिप्स में ऐसा फ्लॉ पाया है जिसकी मदद से जो हैकर्स हैं उन लोग अगर चाहें तो वो Qualcomm बेस्ड जो फोन्स वगैरह हैं, ऑलमोस्ट 30% वर्ल्ड के 30% फोन्स भाई इस रिस्क में आ जाते हैं, तो उनका कॉल्स एंड जो SMS है उसको पढ़ सकते हैं, लाइक SMS पढ़ सकते हैं एंड कॉल्स वगैरह सुन सकते हैं डायरेक्टली वो जो हैकर्स है भाई, एंड दैट इज अ बिग फ्लॉ लाइक लिटरली। उसका जो फिक्स है उस पर भी काम हो रहा है भाई, बहुत बड़ी चीज़ है, तो आप लोग थोड़ा सा सावधान रहो भाई, अगर आपके पास स्पेशली Qualcomm प्रोसेसर बेस्ड फोन है तो आप लोग थोड़ा सा सावधान रहो इस चीज़ को लेके। बाकी कुछ टाइम में ही मेरे ख्याल से अपडेट वगैरह आके फिक्स हो जाएगा, और बहुत सारे फोन में तो आ चुका है, तो आप लोग अपना अपना फोन अपडेट कर लो भाई। बाकी यही थी मेन अदर कैटेगरी की न्यूज़। अभी स्मार्टफोन की तरफ बढ़े तो भाई यहाँ पर भी न्यूज़ है अच्छी अच्छी। सबसे पहले न्यूज़ तो पोको की तरफ से आ रही है कि पोको M3 Pro 5G इंडिया में कुछ टाइम में लॉन्च होने वाला है, और हो सकता है यही मई के महीने में लॉन्च हो जाए। और जो पोको का जो GT फोन है, लाइक जो गेमिंग फोन है, रेडमी का गेम एनहांस एडिशन, वो भी कुछ टाइम में इंडिया में लॉन्च होने वाला है। सो स्टे ट्यून रहो भाई, मेरे को तो बहुत तगड़ा लगा वो गेमिंग एनहांस एडिशन, वो जब आता तब मजा आएगा। बाकी रियलमी का एक फोन लॉन्च होने वाला है, रियलमी V15 ऑलरेडी आ चुका है, रियलमी V25 शायद से कुछ टाइम में लॉन्च हो गए, और जो ये रियलमी V25 होगा इसके अंदर हमको स्नैपड्रैगन 768G प्रोसेसर देखने को मिलेगा भाई, बहुत तगड़ा प्रोसेसर है ये, और इसमें फर्स्ट टाइम इन लोगों ने फ्लैगशिप ग्राफिक प्रोसेसर दिया, GPU जो है वो एकदम फ्लैगशिप लेवल का है, तो गेमिंग में बहुत ज़्यादा तगड़ा रहने वाला है ये प्रोसेसर। और लेकिन जो डिस्प्ले है ये फुल HD AMOLED है, अब 120Hz है या नहीं है इसका मेरे को आइडिया नहीं है अभी तक के भाई। उसके बाद अगर बात करूँ तो सैमसंग का जो A52 है उसका 5G एडिशन, उसका सपोर्ट पेज सैमसंग इंडिया की वेबसाइट पे लाइव हो चुका है, तो अगर आपको A52 5G लेना है तो थोड़ा सा वेट करो, शायद से कुछ टाइम में लॉन्च हो जाए। और उसके बाद अगर बात करूँ तो ओप्पो वाला जो है वो भी फोल्डेबल फोन्स पे काम कर रहा है, तो ओप्पो के फोल्डेबल फोन्स भी कुछ टाइम में लॉन्च होने वाले हैं। और बाकी उसके बाद बड़ी खबर एक ये भी है कि जो गूगल पिक्सल है, गूगल पिक्सल 6 जो होने वाला है, ऐसा मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है उसमें खुद के प्रोसेसर के साथ में गूगल निकाले, तो अभी वाइट चैपल करके कुछ तो भी ऐसा कोड नेम है, बेसिकली गूगल का खुद का प्रोसेसर बेस्ड गूगल पिक्सल 6 हो सकता है। सो स्टे ट्यून रहो भाई। बाकी यही थी मेन स्मार्टफोन की न्यूज़। अभी हम लोग गैजेट्स की तरफ बढ़े तो भाई
यहाँ पर ओप्पो का कुछ इवेंट हुआ था, उसके अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट निकले, ओप्पो के कुछ फोन्स आए, कुछ टीवी आई, K9 सीरीज की टीवीज, और एक ओप्पो एनको बड्स एयर करके एक ईयरफोन निकला, TWS बेसिकली। सो या बहुत सारे प्रोडक्ट ओप्पो की तरफ से लॉन्च हुए हैं, लेट्स सी भाई अगर इंडिया में आता तो कुछ बात बने। बाकी उसके बाद इंडिया की बात कर रहा हूँ तो इंडिया में कुछ टाइम में रियलमी बड्स Q2 लॉन्च हो सकता है। जैसे आप लोग ये बॉक्स वगैरह देख रहे हो, ये फोटो वगैरह लीक हुई है बॉक्स की, तो रियलमी बड्स Q2 बहुत ही जल्द इंडिया में लॉन्च हो सकता है, तो स्टे ट्यून्ड उसके लिए। बाकी यही थी मेन मेन गैजेट्स की न्यूज। अभी हम लोग पीसी वर्ल्ड में बढ़े तो भाई यहाँ पर ज्यादा न्यूज तो है नहीं, जो भी न्यूज है मतलब पहले तो मैं माइक्रोसॉफ्ट की न्यूज देता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट जो विंडोज 10 एक्स, अब ये जो विंडोज 10 एक्स आया था ना, इसका फीचर ये था जो पोर्टेबल डिवाइसेस थे लाइक फोल्डेबल एंड ऑल, तो उसके लिए उसके हिसाब से थोड़ा टच फ्रेंडली काइंड ऑफ बनाने की कोशिश की गई थी, तो मोस्ट प्रोबेबली वो कैंसिल हो रहा है, डायरेक्टली उसके अंदर ही इंटीग्रेट हो रहे सारे फीचर जो नॉर्मल विंडोज 10 है। बाकी उसके बाद अगर बात करो तो जो इंटेल DG2 जो ग्राफिक कार्ड है उसके कुछ डायग्राम्स वगैरह लीक हुए हैं, जैसे आप लोग देख रहे हो, तो भाई बहुत जल्द इंटेल के ग्राफिक कार्ड भी आने वाले हैं, और ऐसा सुनने में आ रहा है जो लैपटॉप है उसके लिए ज्यादा मतलब एनहांस करके दिया जाएगा, तो काइंड ऑफ वाले GPUs आने वाले हैं। सो या यही थी मेन आज की न्यूज, शायद आपको पसंद आएगी, पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय।